अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रिज का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था, आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्पायरल के बारे में कि स्पायरल को हम साइड पर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, जो हमारा डाया है स्पायरल की वो 16 mm का है और इसका जो पैच है, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम बोलते हैं, वो है 100 mm का। वीडियो में मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहले जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, इसके लिए हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक स्टील पर हमने मार्किंग की है, जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 100 सेंटर टू सेंटर। और फिर इसी के ऊपर जो मार्किंग हमारे हुई है, बार बेंडर जो है, जो स्पायरल बार है, इसको बाइंड करता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि पहले से ऑलरेडी उसको पता होता है कि ये जो बार यहाँ पर आना है, तो बार बेंडर के लिए बहुत ईजी होता है और वो बहुत इजीली अपना वार जो है वो कर लेता है। तो आप ये देखते रहे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो का मर का है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जो पाम वर्क है, इसके जो वर्टिकल अलाइनमेंट है और इसके जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, साथ साथ वो भी हम फिक्स करते हैं, क्योंकि फिर ये जो है कंक्रीट के लिए हम इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन वो प्लम्ब बाफ के जरिए यहाँ पर इसके जो अलाइनमेंट है वो हो रही है, और साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो भी हम साथ साथ चेक करते हैं। इसके फोर साइड पर इसके जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन है, इसको हम चेक करते हैं। पहले इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लगाए, टॉप पर भी इसके हमने कोऑर्डिनेट लगाए, और वहाँ से अब जो है प्लम्ब बाफ से इसकी जो रेफरेंस लाइन है, इसको हम साथ साथ चेक करते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।